अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रेशमा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। ये केक मैंने चिल्ड्रंस डे पर बनाया था बच्चों के लिए और ये केक बच्चों को बहुत पसंद आया। तो चले देखते हैं हम इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप मेल्टेड बटर और एक और आधा कप इतनी पिसी हुई चीनी। इन दोनों को मिक्स करेंगे ब्लेंडर से 30 सेकंड के लिए। मेल्टेड बटर और चीनी को मिक्स करने के बाद हम इसमें अंडा शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने दो अंडे लिए हैं तो हम इसमें एक एक करके दोनों अंडे डाल देंगे। एक साथ दोनों अंडे नहीं डालेंगे, पहले एक अंडा डालेंगे, इसके बाद दूसरा अंडा डाल के फिर से ब्लेंड करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बटर मिल्क। बटर मिल्क में मैंने एक कप दूध में एक टीस्पून इतना विनेगर ऐड करके इसे रख दिया था और इसे ही हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड करेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर लेंगे हम एक छन्नी और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप इतना मैदा और आधा कप कोकोआ पाउडर और इसी में हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और 3 चुटकी इतना नमक। इन सारी चीज़ों को छान लेंगे और इसी में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून इतना इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। इन सब को इसमें छन्नी से छान के ऐड करेंगे, फिर इसके बाद इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करना है। इस तरह से हम इसे धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बेहद खुशी होगी। सारी चीज़ों को अच्छे से हमने यहाँ पर मिक्स किया है। अब हम इस बैटर को ग्रीस किए हुए टिन में ऐड करेंगे और इसे बेक करेंगे 50 मिनट के लिए। केक का सारा बैटर मैंने टिन में ऐड किया है। इसके बाद इसे 3 बार टैप करेंगे और इसे माइक्रो में रख देंगे। यहाँ पर हमारा केक है रेडी। आप इसे किसी भी तरह से सजा सकते हो। मैंने यहाँ इसमें हर एक रंग से सजाया है। इनसाइड एवरी चाइल्ड इज़ रेनबो वेटिंग टू शाइन।